तो सब शब्द आकर तू बोलेगा, तू ही बोलेगा, सब शब्द बेमाना है, जिसमें कोई अर्थ नहीं है। आप जब एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ उससे फल नहीं निकलता है। जब सत्य वाला कोई बात करे तो सत्य का उपदेश करे स्नान, सत्य के उपदेश से तुमको स्नान करना पड़ेगा, वरना कोई भी तुम स्नान कौन सा, ये पानी से तन धोते मन अचानक, ये तन धोने से, नहाने से, गंगा जी में भी नहाने से, चार धाम में भी नहाने से कुछ भी फल नहीं निकलता है। अपने को खुश करते हैं मैंने किए क्या है, मंच में मनोरंजन है ही हमेशा, तो वो भटकता रहता है, तभी उसको शांति आती है, भटके नहीं तो उसको शांति नहीं आती। इसीलिए वो सब चार ये साधन करते हैं, वेद शास्त्र पुराण कुरान, मन से सुबह से रात तक बैठे करे क्या, उसका मन चौधर फिरता है। हमको कौन सा आधार चाहिए, ये हमको भी किसी पुस्तक का, कॉपी का, पेन का आधार चाहिए, पेन पन्ना ये सब आर्टिफिशियल है। अच्छा तू तो लिखता है, देखो सूरदास बोलेगा मैं तो भाई लिख नहीं सकता हूँ, मैं तो आंखों से भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी, उसका क्वेश्चन उठेगा। तो तू जरूर बोलेगा तो मैं बराबर लिखते हैं, पर मेरे अंदर में सुजागी नहीं है, तो भगवान क्या करता है, जो सूरदास होता है वो वर्जमान ग्रंथ बोल सकते हैं, वर्जमान वाणी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी इंद्री बड़ी और सजाग रहती है। भगवान की माया है, कुदरत है, वो क्या करता है, जिसमें एक इंद्री कोई कम है तो दूसरी सुजागी दे देता है, फिर उसको पढ़ने की या दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वाणी से ही, अनुभव से ही ऊंचा उठते हैं। खाली गुरु की वाणी आवाज आसमानी, तो सूरदास को भी गुरु की वाणी चाहिए। एक संत की जो महिमा है कोई नहीं जान सकता है, बिल्कुल नहीं जान सकता है। बेअंत का अंत तत्वदर्शी पाता है, बेअंत था भगवान, बेअंत सब बेअंत बेअंत करके मर गए, होता है बेअंत का अंत कौन पाएगा। पर जब हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब ब्रह्म ही है, तो तत्व वेता तत्वदर्शी इसेंस को जानता है, तत्व को जानता है, तत्वदर्शी तत्व को जानता है, तत्व को जान के सब उसके अंदर अनुभव, पूरा पूरे का पूरा ज्ञान अंदर में आत्मा के निष्ठा में आ सकता है, आता भी है, पर जो शास्त्र पर लाए वो बिल्कुल मूर्ख है। आज जो भी शास्त्र पढ़ा हुए वो अपने को मूर्ख समझे, क्योंकि तू खुद ही पहले आत्मा था, तो तुमको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी, पर आत्मा नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ा और अंधा हो गया और मूर्ख बन गया, क्योंकि शास्त्र तुमको इशारा नहीं देगा तो कहाँ तू भूल करता है, गुरु तुमको पकड़ेगा तो ये भूल तुम्हारी है, गेट आउट हो जाओ, तुम करता क्या है, न पीछे न आगे, खाली ऐसे आराम देती है। तो तू जैसे नावल पढ़ता है, जैसे वेद शास्त्र पढ़ता है, जैसे सब कुछ पढ़ता है, पर ये जेते पुराण पुराण, पर ये जेते मास, पर ये जेते आवर्जा, पर ये जेते सास, ना निकले के एक अगल और है जखना चाहता।